हिंदी फिल्म हैंकी पैंकी का मुहूर्त संपन्न हो चुका है, जिसकी शूटिंग कनाडा में की जाएगी। जी आपको बता दें कि बहुत सारी पंजाबी फिल्में डायरेक्ट कर चुके निर्देशक शिवम शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ अब बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी हिंदी फिल्म हैंकी पैंकी कनाडा में शूट होगी। मुंबई में इस फिल्म का मुहूर्त किया गया। एपिटोम प्रोडक्शन हाउस के मालिक अश्विनी तनेजा हैं, जबकि पंजाबी फिल्म अकेडमी कनाडा का प्रोडक्शन हाउस है। महादेवी मोशन पिक्चर्स के मालिक सोनू कुंतल हैं, रंगला पंजाब मोशन पिक्चर्स साथ में है। फिल्म का नाम हैंकी पैंकी जितना अनोखा है, इसकी कहानी भी उतनी अलग और यूनिक है। आई थिंक हमारे डायरेक्टर साहब को ये सवाल लेना चाहिए, बिकॉज इनकी फिल्म है, हमारी फिल्म है, लेकिन आप बताएं फिल्म हैंकी पैंकी में कौन हैंकी पैंकी कर रहा है और फिल्म किसके बारे में? हैंकी पैंकी मतलब कि थोड़ी सी चालाकी है ना, चालाकी। तो लाइफ में ना ऐसा मोमेंट आता है कि बंदा बोलता है थोड़ी सी हैंकी पैंकी करके शॉर्टकट से आगे बढ़ जाए। करेक्ट। तो यहाँ जो हैंकी पैंकी हो रही है वो किसी पैसे के लिए या पावर के लिए नहीं हो रही, वो रिश्तों नातों को लेके हो रही है। कि रिश्ते नाते कुछ ऐसे होते हैं कि हम कभी सोचते हैं ये रिश्ता थोड़ा लूज है, चलो थोड़ा हैंकी पैंकी करते हैं। Correct. इसको टाइट कर लेते थोड़ा। तो जैसे हमारा टाइटल है हैंकी पैंकी, और वैसी यूनिक स्टोरी भी है। थैंक यू सो मच। मेरे लास्ट शो का नाम था ये रिश्ता क्या कहलाता है, और ये इस हैंकी पैंकी में अब मुझे पता चलेगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। करेक्ट। आई कैन रिलेट इट। करेक्ट। फर्स्टली थैंक यू सो मच सर फॉर बिलीविंग इन मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम रियली एक्साइटेड टू वर्क विद अध्ययन। हर्ड अ लॉट अबाउट यू। नहीं, सेम हियर यार, सेम हियर, एब्सोल्युटली। एंड आई होप इट गिव्स अ गुड थिंग। यस, पूरी फिल्म कनाडा में शूट की जा रही है सर। एक बहुत अच्छा मैसेज के बारे में हम लोग कल डिस्कस कर ही रहे थे कि बहुत से लोगों को लगता है कि ये देश छोड़ के जो है विदेश चलते हैं, वहाँ पे जो है ग्रोथ ज़्यादा होगी, सपने सारे पूरे होंगे, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। वहाँ जाकर चीज़ें ख़राब ही हो जाती हैं, रिश्ते टूट ही जाते हैं, चीज़ें सपने पूरे बिल्कुल भी नहीं होते आपके। तो ये भी एक जो है आप इस फिल्म के थ्रू बताना चाहते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज़। हर बंदा ना बाहर चला सोचता है NRI बन जाए, बाहर चले, वहाँ सब कुछ है, पैसा है, दौलत, शोहरत है, पर जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाके पता लगता है कि हाँ वो सोने का पिंजरा है, सब कुछ मिल जाएगा, पर आपको मेहनत 10 गुना करनी पड़ेगी। पर खुशी नहीं है। बस सोने के पिंजरे में जैसे पंछी कैद होता है ना, वैसी लाइफ हो जाती है। सब कुछ मिलता है, गाड़ी, बंगला, पर बस पुरानी किस्त खत्म हो ही नहीं, नगली खड़ी है, बस रोलिंग चलते जाओ। रोबोट की तरह काम कर रहे हैं आप। करेक्ट। आई थिंक मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, जहाँ तक जितना मैं बता सकता हूँ कि आई प्ले अ मामाज बॉय की, यू नो, ऑलवेज आपकी मेरी खुद की एक इंडिविजुअलिटी नहीं है फिल्म में। आई लिसन टू माई मदर अलॉट, कि माँ बोलती है उठ जाओ तो मैं उठ जाता हूँ, माँ बोलती है बैठ जाओ तो बैठ जाओ, फिर माँ बोलती है भाई शादी कर लो, और अपने इसके अगेंस्ट में जाके शादी कर लेता हूँ, मैं इनको जानता नहीं हूँ। और उसके बाद ऑब्वियसली व्हेन आई एम इन कैनेडा एंड आई रियलाइज़ कि भाई कि बिकॉज मेरी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं थी, आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। और जो वो उसका पूरा एक जो एक स्ट्रगल है दैट यू सी विद इन द फिल्म, आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैंने फिल्म सुना तो मुझे लगा कि बहुत से लोग रिलेट करेंगे। मेरे बहुत से फ्रेंड्स इसी आशा में, इसी होप में छोड़कर देश को गए थे कि भाई वहाँ पे ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी, ज़्यादा सपने पूरे होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके साथ। एंड अ लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट केम बैक टू द कंट्री, एंड आई सेड यार मैंने इतने किस्से सुने तो मैं बिल्कुल रिलेट करता हूँ ऐसे कैरेक्टर से, इसलिए मुझे लगा यार ये फिल्म जो है करनी चाहिए। नो, एक्चुअली इट्स नॉट माई फर्स्ट फिल्म, इट्स माई सेकेंड फिल्म एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। जो मेरा कैरेक्टर है वो एक लड़की है, शी इज़ वेरी मॉडर्न, शी गेट्स मैरिड टू अ गाय हु इज़ अ चंपू, यू कैन से। एंड कैसा उनका स्ट्रगल रहता है, कैसे उनका रिलेशनशिप, दो अपोजिट लोग कैसे प्यार में पड़ते हैं, कैसे अपने रिश्ते ठीक करते हैं, क्या कोशिश करते हैं कि कैसे उनका रिश्ता ठीक हो, कैसे चलाए उसे, ये उसकी कहानी है। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर, क्योंकि जैसे मैं रियल में हूँ वैसे ही मैं इस फिल्म में हूँ। सो आई कैन रिलेट हाउ मच नाइसली। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी चंपू दो। नो, आई डिडंट कॉल यू चंपू, आई सेड कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर चंपू है। या या या, द कैरेक्टर। कोशिश की थी कि मैं ठीक ठाक लगूं यार आज यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम जोकिंग। बिल्कुल। और आपके फादर इसमें काफी एक्सपर्ट है, तो आपने क्या इंस्पिरेशन लिया फादर एज एन एक्टर?
आई थिंक जस्ट बी योर सेल्फ और आई थिंक सिंसेरिटी बहुत ज़रूरी है. आप कुछ भी करें अपने लाइफ में, चाहे वो एक्टर हो, स्पोर्ट्समैन हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो, अपने दिल से जो है उस चीज़ को निभाना बहुत ज़रूरी है. दैट्स समथिंग दैट आई हैव लर्नड. उसके ऊपर ऑनेस्टली कोई चीज़ नहीं है. व्हेन यू ट्राई, आई हैव रियलाइज वन थिंग कि जब आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत व्हेन यू ट्राई टू हार्ड, वो चीज़ें जो है कभी नहीं होती हैं. और जब आप यू नो यू टेक इट ईजी और आप सिंसियरली करते हैं कि भाई मुझे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें एज एन एक्टर, तो मुझे जो रोल मिलता है उसको मैं सिंसियरली निभाने की कोशिश करता हूँ उस दायरे के अंदर. और बाकी एट द एंड ऑफ द डे यू नो इट्स दी ऑडियंस. लाइक आश्रम में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया टिंका सिंह को लेकर, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा, बट मैंने सिंसियरली उस सीन, सारे सीन्स को निभाए, उस शो में काम किया और उसका फल मुझे मिला. सो आई थिंक दैट समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर. जी जी रॉकस्टार, यस 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 यस. यार न्यू वर्जन तो नहीं है, बट आई एम सीइंग आई प्रोबेबली सी अ बेटर वर्जन ऑफ मी, बिकॉज ये जो मेरी स्ट्रगल्स रही है, जर्नी रही है, जो मैं हमेशा अपने इंटरव्यूज में कहता हूँ, जो फेलियर्स रहे हैं, दैट आई बिन थ्रू माई डार्क फेसेज, आई बिन थ्रू माई डिप्रेशन, यू नो जब काम नहीं मिल रहा था, इट हैज़ टॉट मी अ लॉट. उस वक्त लगता है कि ऐसा भगवान मेरे साथ क्यों कर रहे हैं भाई, वो आगे जा रहा है, उसका करियर आगे बढ़ रहा है, मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है. बट देन यू रियलाइज़ कि हर एक इंसान की जो है एक ग्रोथ होती है, एक फेज होता है जिसमें उसको कुछ चीज़ें सीखनी होती है लाइफ में, दैट यू कैन ओनली रियलाइज वंस यू पास दैट स्टेज, यू नो. सो आई थिंक दैट स्टेज, दैट टाइम इन माई लाइफ मेड मी अ बेटर एक्टर फॉर श्योर. और जहाँ तक मेरे वक्त का सवाल है, आई थिंक वक्त कभी आता नहीं, वक्त को लाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है लाइफ में, और एज आई सेड सिंसियरली काम करना पड़ता है. तो यस, आई मीन आफ्टर आश्रम अभी मेरी 11वीं फिल्म है ये, और मैं ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बातें करता नहीं हूँ, बिकॉज आई बिलीव कि माई वर्क शुड स्पीक. तो कुछ अच्छे बड़े शोज़ भी हैं जो मैं कर रहा हूँ, अच्छी बड़ी फिल्में भी हैं, कुछ अच्छे नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर रहा हूँ, नए लोगों को सपोर्ट करना जो है मैं चाहता हूँ, कि जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे भी कोई सपोर्ट करे, मैं भी कुछ लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ. एंड दैट्स वाई आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स वाई आई एम हियर, बिकॉज Sonu bhai and sir, I think they're great people. You know, of course, Kachi and all these people, I think they are wonderful people, and that's why I'm here today. I think maine bahut kuch bol diya. सर जब फिल्म फिल्म मैं शूट करने जाऊंगा कनाडा अभी सितंबर में, जब चीज़ें होंगी, जब मैं इस कैरेक्टर में घुसूंगा, तो वो कैरेक्टर मुझे क्या कुछ एक मैसेज देगा या सीख देगा एज अ ह्यूमन बींग, आई थिंक वो ओनली आफ्टर आई फिनिश शूटिंग द फिल्म आई विल गेट टू नो. पर एक बात डेफिनेटली मुझे पता है कि भाई मेरा भारत महान, इतना मुझे पता है, जो भी है इसी देश में करना है सर हम लोग को. हाँ जब वो स्टोरी हमारी फाइनल हुई तो हमने देखा कि मम्मा बॉय होते ना, जी मम्मा बोलती बेटा ये कर लो, जी मम्मा, मम्मा बेटा ये कर लो, जी मम्मा, वो मम्मी की कोई बात टालते नहीं है. तो ऐसा जोली गुड़सा करेक्टर चाहिए था जब हम अध्ययन से मिले. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, एक चंपू बोल रहे, एक बोल रहे हैं मदर क्या है यार. ऐसा मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं मम्मी की बात सुनता हूँ लेकिन खुद भी करने नहीं. तो जैसे अभी हुआ तो वो करेक्टर ऐसा ही था. तो जब इनके साथ हम नरेशन पे बैठे तो हमें लगा कि जो हमारी कहानी की डिमांड है ना वो इस करेक्टर पे परफेक्ट है. सेकंड जब हम कांची से मिले, इनके साथ डिस्कस हुआ स्टोरी पे, तो उनका अपना एक वो है जॉनर है ना, तो वो मम्मा गर्ल नहीं है. तो बोलती नहीं, जो आज की लड़की होती है मॉडर्न है, मैं करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी, आई डोंट लाइक, मैं मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, मैं यही करूँगी. दो अलग जॉनर है वो एक पॉइंट पर आके, एक प्लेटफॉर्म पर आके इकट्ठे हो जाते हैं. अब एक बोलता है लस्सी पीनी, एक बोलती मैं तो चाय, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक. अब दो जनरेशन कैसे धीरे 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 एक होते हैं. फिर उनको लगता है छोड़ो हैंकी बैंकी करते हैं, ये तो ऐसे ही है, वो बोलती यही तो ऐसे ही है. तो वो मैसेज ये है कि लाइफ में आप जिसको चाहते हैं हर बारी आपको वो नहीं मिलता, कई बार ऐसा मिल जाता है उसको अपने लायक बनाना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है. जी करेक्ट करेक्ट. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं फिल्म करूँ.
आई थिंक हर एक्टर का सपना होता है कि एक दिन वो खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखे, बीट और टीवी स्टार और थिएटर स्टार और whosoever. And I guess it's a great opportunity because ये काफ़ी it's a young love story. बहुत अच्छे से पोर्ट्रे की जाएगी ये एंड मज़ा आएगा करने में बिकॉज दो लोग एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है और कैसे वो प्यार होता है. आई गेस ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा एंड एवरी टाइम व्हाट यू डू इट्स समथिंग यू लर्न फ्रॉम. सो आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम आई थिंक अध्ययन सर एंड एवरीबडी. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई गेस उस सीरियल को 12 साल हो गए हैं, 12 या 13 साल हो गए. आई एम ब्लेस्ड कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ सच अ शो. घर घर में वो शो देखा जाता है और मैं उसकी एक मेम्बर रही हूँ. तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टू बी अ पार्ट ऑफ इट. मैं दुआ करूँगी कि वो और आगे बढ़ते जाए, ऐसे ही अच्छा काम करते जाए और सब उसे देखते जाए. दिस ईयर वैसे तो मैं काफ़ी फिल्में कर चुका हूँ. जी जी बिल्कुल 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 जी जी जी. यार मैं तो डेफिनेटली चाहता हूँ कि मुझे और फिल्में मिले, अच्छी फिल्में मिले. देखिए मुझे लगता है फिल्में छोटी और बड़ी नहीं होती, किरदार अच्छे होने चाहिए. वो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आज के दौर में आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग और राइट, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ द बिग फिल्म्स आर नॉट वर्किंग टुडे. और बहुत सी फिल्में जो हैं जो नए लोगों के साथ बनाई जा रही हैं, वो सारी फिल्में जो हैं वो चल रही हैं OTT पे. इतने नए एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सबको मौके दिए जा रहे हैं, विच आई थिंक इज़ अ वंडरफुल थिंग. आई थिंक जब मैंने शुरुआत की थी राज 2 से, माई बॉक्स ऑफिस वॉज 70 crores एंड टू बी ऑब्वियसली यू नो द हीरो ऑफ अ फिल्म दैट हैज़ डन 70 crores विद ब्लॉक बस्टर सॉन्ग्स लाइक यू नो सोनियो एंड यू नो राज 2. तब शुरुआत बहुत अच्छे से हुई थी. जशन मैंने की महेश भट्ट साहब के साथ, क्रिटिकली एक्लेम थी. तब काम नहीं मिला और क्यों फिल्में बंद हो गई, 12 फिल्में बंद हो गई, रिसेशन आ गया था. तो रीजंस बहुत सारे हैं, लेकिन उस रीज़न में जाकर उसमें घुसना कोई मतलब नहीं है. बिकॉज जब वक्त जो है, जब वक्त नहीं था तो वक्त नहीं था, उस पर लड़के कोई मतलब नहीं है. और एज आई सेड कि जो मुझे लर्निंग्स करनी थी वो मैं आगे बढ़ता गया लाइफ में, ज़िंदगी को यू नो देखता गया, सीखता गया लाइफ में. और अब मैं होप करता हूँ सर, जैसे आपने कहा कि मुझे और फिल्में मिलनी चाहिए और काम मिलना चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम मिलना चाहिए. तो मैं आशा करता हूँ कि मुझे ऐसे ही लोग काम देते रहें और मैं आगे सिंसियरली काम करता रहूँ. बस और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ. लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो लाइक यू एंड योर फादर रियली सपोर्टेड सुशांत सिंह राजपूत. यस, आपने गाना भी गाया था. या जब तक या इट डिड एक्चुअली डिड वेरी वेल. यस, यार देखो यू नो जब इसकी बात थोड़ी सी फिल्म से हटते हैं, ज़्यादा नहीं करूँगा इसके बारे में मैं, लेकिन जब ये बात निकली थी, जब डैड ने फोरम शुरू किया था, तो आई थिंक माय फादर वाज वन ऑफ द मे बी गिन चुन के दो लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया था. एक फोरम खोला था, उनके फादर से कोविड के दौरान मिलने गए थे. और हमें आई रिमेंबर एज आई सेड इन द इंटरव्यू ऑल्सो, आई फॉट विथ माई फादर. आई सेड इज़ अ पीक ऑफ कोविड, यू के नॉट फ्लाई डाउन टू पटना राइट नाउ एंड मीट समबडी. ही सेड इट्स नॉट अबाउट मीटिंग समबडी. उस बाप को एक ज़रूरत है एक सपोर्ट की. और मुझे वहाँ पर भले ही मैं बात ना कर पाऊँ, लेकिन वहाँ पर बैठना खाली बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है, जहाँ कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री का कोई भी नहीं गया. एंड आई थिंक माई फादर टुक दैट वेरी ब्रेव स्टेप एंड आई थिंक दैट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग. लेकिन जहाँ तक उनके जस्टिस का सवाल है सर, आई डोंट नो. और मैं यही आशा करता हूँ लाइक मिलियंस ऑफ सुशांत सिंह फैंस, आई गो ऑन ट्विटर ही इज ट्रेंडिंग, आई गो ऑन इंस्टाग्राम ही इज ट्रेंडिंग, कि भाई वी नीड जस्टिस फॉर सुशांत. मैं आशा करता हूँ कि उन्हें जो है जल्दी जस्टिस मिले. और सच्चाई क्या है कि देखिए जस्टिस तो मैं चाहूँगा मिले, लेकिन सच्चाई एक्चुअली है क्या, ये पूरी दुनिया जानना चाहती है. सो आई रियली रियली होप कि हमें इसके बारे में भी पता चले. सर इस सपोर्ट की मैं बात करूं, मैं और जो कि ये शिवम पाजी, हम लोग जो बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो जब ये हमने स्टार्ट किया, हमारा ये एक था कि एटलीस्ट एक अच्छी फिल्म हमें कहीं आउट ऑफ इंडिया जाके हम एक अच्छी फिल्म बना के लेके आते हैं और फिर दिखाते हैं कि एटलीस्ट हम लोग भी कुछ अच्छा काम कर सकते हैं. एक्चुअली क्या हो रहा है कि जैसे इन्होंने अभी बोला था कि यहाँ पर अच्छे नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोगों को अच्छे से यहाँ पर काम मिल रहा है, बट उनको ना कहीं ना कहीं अभी ये नहीं हो रहा कि यार उनको अच्छा काम मिल रहा है. तो हमेशा मेरा ये है कि मैं अच्छा करके दिखाऊं. मैं हमेशा इसी पर बिलीव करता हूँ, अच्छे काम पर. मैं अच्छा करूँगा तो ऑटोमेटिकली मुझे अच्छा 100% मिलेगा.
आई थिंक आश्रम ने मुझे एक मेरी सांसें वापस लौटाई हैं, एक नई जिंदगी मुझे वापस दी है। जो फ़ोन आने बंद हो गए थे लोगों के, वो फिर से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। कुछ बड़े उसमें कुछ बहुत बड़े डायरेक्टर्स भी हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, कुछ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज भी हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जब वो काम आएगा तो लोग देख लेंगे। बट मैं ऑनेस्टली ये बात हमेशा कहता हूँ कि ऑडियंसेस से बढ़कर कोई नहीं है। वो आपको बना सकते हैं, वो आपको हटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, जो भी है, बट आई एम जस्ट इटर्नली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे फिर से मौका दिया स्क्रीन पर आने का, और आई एम गोइंग टू बी इटर्नली ग्रेटफुल। और मैं मेहनत करता रहूँगा अपने लाइफ में और सिंसियरली काम करता रहूँगा, एंड आई जस्ट होप दैट काम मिलते रहे और मैं काम करता रहूँ। एक्साइटेड तो होना ही पड़ेगा सर, होना ही पड़ेगा सर। सर इनके साथ जुड़ के सर इस फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, और एंट्री कर रहे हैं तो इन्होंने बोला कि सोनू जी मुझे आप पे भरोसा है, जो आप करोगे बहुत अच्छा करोगे फिल्म को लेकर। और ऐसा नहीं कि फॉरेन लोकेशन पे शूट ही करना था, कहानी की डिमांड ऐसी है, करेक्ट करेक्ट, कि हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट। अब हम नॉर्थ इंडिया में जाएं, वहाँ बच्चा 10-12 साल का होता है तो मम्मी पापा बोलते हैं इससे पहले कि बिगड़े कनाडा भेज। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। वो वहाँ चल रहा है नॉर्थ इंडिया में सारा कि बस बच्चा जवान हुआ या यूके या कनाडा, तो वो दिखाना चाहते हैं कि वहाँ भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो मेहनत अगर यहाँ 10% है तो वहाँ 200% है, वो करनी पड़ेगी। Thank you so much. Thank you so much. And apologies once again. I was late. He is the reason. No, I'm joking. But sorry.